हो या दलाल हो मेरे को बताओ, तुम वकील हो या दलाल हो? मैं दोनों हूँ। हाँ दलाल हो, तो तुम्हारा जो नहीं वकील का जो कोड है वो शेयर करो। जो आपका जो कोड है भार्गव जी, जो आपकी जो कोड की जो कोड मिलता है वो कोड आप शेयर करो। अच्छा, मैं क्यों पहले वेरीफाई करूंगा आप वकील हो कि दलाल हो। मेरे को पेमेंट बैंक को करेगा या मेरे को करेगा? नहीं, पहले तो मैं जो बोल रहा हूँ वो उसका जवाब दो पहले। तू ये बोल मेरे को अबे पैसा फिर से तू पेमेंट आ बैंक को गया, तू करेगा। तू 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 पे आ गया। रख चुतिया हाँ फोन, रख तू फोन, कर फोन मत कर। कर चुका। हेलो यस, हेलो, या मिस्टर मानस, यस। मिस्टर मानस, मैं मुस्तफा अली खान एक्सिस बैंक से बात कहाँ से? हाँ कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक से मुस्तफा अली खान बात क्या काम था जी? कर रहा जी क्या काम था हूँ। काम ये था, 1,18,000 रुपये आपके ऊपर बाकी है, क्रेडिट कार्ड जी? 1,18,000 रुपये बाकी है आपके ऊपर एक्सिस हाँ बैंक के क्रेडिट कार्ड का, जमा क्यों नहीं करा रहे? पेमेंट कैसे करूंगा? वो बिना बताए क्या ऑटोमेटिक बिना बताए? वो बिल गलत तरीके से भेजेंगे। कैसे? कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, वो भी उनको नंबर भी नहीं लगेगा। कस्टमर सर्विस तो छोड़ो, वो भी एकदम गया। और ऊपर से जो लोन सेटर उधर गया वो भी केस सॉल्व नहीं हुआ। ऊपर से क्या नहीं वो हुआ? जो केस था, जो जो बिलिंग, वो जो गलत बिलिंग भेजे थे स्टार्टिंग से, तो वो लोग वो सही नहीं किए। ऊपर से कार्ड भी परमानेंट ब्लॉक कर दिया बिना बताए। हाँ सर, ना तो आज तक बताने की वो जरूरत मेरा नहीं है। प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व पेमेंट नहीं हुआ। अगर पेंडिंग रहेगा तो कार्ड कौन सा पेमेंट पेमेंट? क्या मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ ना, बिलिंग प्रॉब्लम है। वो लोग गलत बिल भेज रहे प्रॉब्लम है? हैं। क्या गलत बिल भेज दिया बताइए। यानी मैं जो ऑर्डर कर रहा था, फ्लैश ऑर्डर था जो अमेजोन का, वो बार बार कैंसिल हो रहा था। जो कैंसिल होता है वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड पे। तो जो बिल आएगा तो बिल के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हो जाएगा ना, कि ये प्रोडक्ट कैंसिल हो रहा था, बिल आ गया तो आपका ड्यू है जीरो। या फिर जो भी प्रोसेसिंग लगेगा तो वो भी तो सब कुछ रिफंड हो जाता है ना। वो रिफंड भी नहीं हुआ। ऊपर से वो भेज, मेरा ईएमआई था 3,000, वो लोग भेज रहे हैं 50,000 का बिल। तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ उनको, कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो वो उनका नंबर ही नहीं लग रहा है। तो जब कॉल आया कि एक्चुअली ये एक्सिस लोन तो सेंटर आप विजिट करो, तो जो बंदा कॉल किया था, मैंने वो उसकी बात मान के मैं एक्सिस लोन सेंटर गया। उधर भी केस सॉल्व नहीं हुआ। वो बोल रहे कि तुम कस्टमर केयर को कॉल करो। कस्टमर केयर को कॉल कैसे करूँ? नंबर तो लगेगा, वो तो आईवीआर पे ही कट जाता है ऑटोमेटिकली। कोई बंदा बात कितने करने को भी कॉल पे नहीं आ रहा है। का बिलिंग आपका गलत हो गया था? क्या क्या? कितने का पैसे का बिलिंग आपका हाँ, गलत तो हो गया मैंने कार्ड की स्टार्टिंग से, मैंने था? जब कार्ड लिया, 1,18,000 में, 1,18,000 में आपका कितना गलत हुआ है? ये टोटल मेरा 60,000 कार्ड लिमिट है। तो ये बिल पहले शुरू से ही बिल गलत भेज के ये लोग सॉल्व नहीं किए, ना ही फिर कांटेक्ट आपने किए। कितना यूज किया था? मैंने यूज किया था 60,000 यूज किया था 60,000 आपने जी। डिपॉजिट किया? कैसे डिपॉजिट कैसे करूंगा? वो तो ओवरड्यू दिखेगा ना, 1 लाख करेंगे? फिर से 40,000 या 50,000 ओवरड्यू दे शो करेगा। आपने जो यूज किया वो भी तो आपने नहीं, कहाँ जमा क्यों किया? क्यों वो कार्ड परमानेंट ब्लॉक क्यों क्यों? उनका गलती है, वो गलती मानना चाहिए। क्यों गलती वो मानना मेरा चाहिए और सर? आप क्या, और क्या? भाई, आपने जो बैंक का पैसा यूज किया, बैंक का पैसा हो आप कि जो अगर भी हो, आप ईमानदार, उनका गलती, हाँ मेरा जो गलती है मैं मानूंगा, उनका जो गलती है उनको मानना चाहिए। और क्या वो जो मानना प्रॉब्लम चाहिए? क्या बारा, वो बिल गलत क्यों भेजे पहले? ऊपर से मेरा क्रेडिट स्कोर भी ऊपर डाउन कर रहे। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जाके केस कर देता हूँ कंपनी के अगेंस्ट। आप केस करेंगे, जल्दी हाँ केस करूंगा। जाइए। और जो कौन से हाँ थाने में जा रहे हैं? हाँ थाने पे नहीं, कंज्यूमर कोर्ट पे। थाने पे कि कुछ कंज्यूमर नहीं कोर्ट होता में? है। इतना इतना टाइम हो गया, अभी तक आपने हाँ तो कंज्यूमर कोर्ट हाँ, नहीं क्यों देखा क्या? करूंगा क्यों करूंगा? मेरा केस अभी तक जाइए सॉल्व नहीं कटक, हुआ है। कटक में और आपके भुवनेश्वर में कंज्यूमर कोर्ट है, वहां हाँ जाके हाँ केस हाँ करिए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक मैं तो है? करूंगा। यहाँ और पे हमारे आप नहीं कर डिस्ट्रिक्ट पा पे रहे भी हैं है तो भाई कंज्यूमर नहीं कोर्ट, भुवनेश्वर नहीं, हमारा नहीं डिस्ट्रिक्ट पे भी कंज्यूमर कोर्ट है। मैंने हाँ ऑलरेडी मुझे वकील मालूम से है, बात नया करके घाट भी सब में कुछ है। रखा है। आप नए घाट से बात कर रहे हैं? हाँ नया घर से ही बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप जल्दी केस करिए, नहीं तो बैंक आपके ऊपर करने जा रहा है। हाँ करने दो ना, बैंक को करने दो, किसको जल्दी करिए, फर्क फर्क नहीं पड़ता है। ये धमकी तो नहीं पड़ेगा चलेगी, सर, ठीक है ना? ये धमकी नहीं आज नहीं चलेगी। कल फर्क पड़ेगा सर, हाँ आपको नहीं फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, तो क्योंकि मेरे पास फर्क सारा का सारा पड़ेगा। प्रूफ है।
ठीक है कोई ना। प्रूफ नहीं है हाँ, वो मेरे पास सारा का सारा प्रूफ है, तुम बताने से कुछ नहीं प्रूफ कुछ होगा। भी काम नहीं कर अरे पाएगा। बिल्कुल कौन बोला? तुम मैं वकील हो बोल या दलाल हो मेरे को बताओ, तुम वकील हो या दलाल रहा हो? हूँ, मैं दोनों हूँ। हाँ दलाल हो, तो तुम्हारा जो नहीं वकील का जो कोड है वो शेयर करो। जो आपका जो कोड है भार्गव, जो आपकी जो कोड की जो कोड मिलता है वो कोड आप शेयर करो। अच्छा, मैं क्यों पहले वेरीफाई करूंगा आप वकील हो कि दलाल हो। मेरे को पेमेंट बैंक को करेगा या मेरे को करेगा? नहीं पहले तो मैं जो बोल रहा हूँ वो उसका जवाब दो पहले। तू ये बोल मेरे को अबे पैसा फिर से तू पेमेंट आ बैंक को गया? तू करेगा? तू 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 पे आ गया? रख चुतिया, फोन रख, तू फोन कर, फोन मत कर। छोड़।